गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में जो स्टोरी मैं आपको बतलाने जा रही हूँ उसका नाम है रंगाज मैरिज बाय मास्टी वेंकटेश अय्यंगर। एक्चुअली ये एक साउथ इंडियन नाम है, आपको नाम सुन के ही लग रहा होगा। और साउथ इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल जो नाम अपना लिखते हैं उसमें वो गाँव का नाम भी डालते हैं। तो जो फर्स्ट एक्चुअली मास्टी MASTHI, बट चूंकि आपकी बुक में और बहुत सारी जगह मैंने देखा ये स्पेलिंग, तो आई हैव रिटन दिस ओनली। तो ये उनके गांव का नाम है और ये इनका नाम है, तो ये दैट कंप्राइजेस टू बी मास्टी वेंकटेश अय्यंगर। इनकी लाइफ थी फ्रॉम 1891 टू 1986। तो जाहिर सी बात है ये जो इन्होंने लिखी होंगी, जो क्रिएशंस, जो स्टोरीज इन्होंने लिखी होंगी वो थोड़े पहले के टाइम की है। तो ये जो कहानी है रंगाज मैरिज, ये एक लड़का जिसका नाम एक्चुअली में रंगप्पा रहता है, शॉर्ट में सब लोग उसको रंगा बोलते हैं, उसकी शादी की कहानी है। जो ये जो राइटर है ये उस समय की कहानी को बतलाते हैं जब चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह प्रिवेल करता था। और रंगप्पा एक ऐसा लड़का रहता है जो कि गांव से निकलकर, ये सब बेसिकली जितने भी लोग हैं कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, वो सब होशाहल्ली गांव में रहते हैं, एक गांव जो कि मैसूर स्टेट में, उस वक्त जो मैसूर स्टेट था उसमें पड़ता था। तो इस ये जो लड़का है वो पहला लड़का है जो गांव से निकल करके बाहर जा करके इसने अपनी पढ़ाई की है। तो इसीलिए इसकी थोड़ी सोच में चेंजेस आए हैं और अब ये चाहता है कि ये एक मैच्योर लड़की से शादी करे, चाहे जब भी करे, और उस लड़की और इसके एज के बीच ज्यादा गैप ना हो। और ये एग्जाम्पल भी साइट करता है कि एक ऑफिसर को जानता है जो कि 30 ईयर्स का था और उसने एक लड़की से शादी की जो सिर्फ 25 ईयर्स की थी। तो बहुत ज्यादा उन दोनों में गैप नहीं था, लड़की भी बहुत मैच्योर थी और इसीलिए उनका रिलेशन काफी अच्छे से चल रहा था। तो इसलिए ये अपने कल्चर को, जो एक यंग लड़की एक बच्ची से शादी करने के कल्चर को तोड़ना चाहता था, उसका जो माइंड है वो ब्रॉडन हो रहा था। तो वहीं पे उसी गांव का एक आदमी था श्यामा, जो कि इस स्टोरी का नैरेटर भी है। वो अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि रंगा जो है वो इस कल्चर को फॉलो करे, वो एक कम उम्र की लड़की से ही शादी करे और जल्द से जल्द करे। तो वो बहुत सारे प्लानिंग्स करता है और फिर फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाता है रंगा की शादी रत्न से कराने में। रत्ना एक 11 साल की बच्ची रहती है एंड फाइनली श्यामा सक्सीड कर जाता है अपने प्लान्स में। और रंगा जो भी वो सोचा रहता है कि नहीं हम एक मैच्योर लड़की से शादी करेंगे, वो सब कुछ वो भूल जाता है। और फाइनली तो श्यामा ये कैसे अचीव करता है, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट। और जो ये राइटर हैं वेंकटेश अय्यंगर, ये राइटर बहुत ही यूनिक वे में इन्होंने स्टोरी को कहा है। जैसे जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी को श्यामा, वो बीच बीच में कोई डिफरेंट सा एक कहानी बताने लगते हैं, कोई लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताने लगते हैं। आपको लगेगा कि स्टोरी का जो ट्रैक है वो उससे थोड़ा सा हट रहे हैं, साइड हो रहे हैं, बट आफ्टर ऑल दैट्स द यूनिकनेस ऑफ हिज स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड दैट मेक्स इट क्वाइट ब्यूटिफुल। तो अब स्टोरी इस तरह से शुरू होता है, जो नैरेटर है वो कह रहे हैं कि आपको लगा होगा कि मैंने इतना सिंपल सा नाम क्यों रखा इस स्टोरी का, क्यों नहीं कोई ग्रैंड कोई फैंसी नेम रखा, जैसे रंगनाथ विवाह, जैसे रंगनाथ विजय, जगन्नाथ विजय, गिरिजा कल्याणम, कुछ इस तरह का नाम क्यों नहीं रखा। अरे क्यों रखता मैं, आफ्टर ऑल ये हमारे रंगा की शादी थी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि हम लोग हैं कौन। हम सभी लोग होशाहल्ली नाम के एक गाँव में रहने वाले लोग हैं। होशाहल्ली का तो नाम सुना होगा ना आपने, आई थिंक सो आपने नहीं सुना है, क्योंकि शायद किसी कार्टोग्राफर ने, किसी ज्योग्राफर ने, जो कार्टोग्राफर कहते हैं जो कि मैप्स को प्रोड्यूस करता है जो आदमी, उसने हमारे गांव का नाम मैप में लिखा ही नहीं। तो लगता है आपने हमारे गांव के बारे में नहीं सुना होगा। खैर मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये गांव जो है वो मैसूर स्टेट में है। मैसूर स्टेट उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, उसका वही इम्पोर्टेंस है जितना कि करीगा डबू एक मिठाई है साउथ इंडिया में, जिसके अंदर में शुगर और नारियल कोकोनट भरा होता है। तो जितना इम्पोर्टेंस करीगा डबू का किसी भी फेस्टिवल में है, इस मिठाई का किसी भी फेस्टिवल में होना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट मैसूर स्टेट हमारे देश भारतवर्ष के लिए है। मतलब एक फेस्टिवल बिना इस मिठाई के इनकम्प्लीट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारा भारतवर्ष जो है उसके लिए मैसूर उतना ही वैल्यूएबल है। और हाँ,
जितना इम्पोर्टेंट इस मिठाई के लिए कोकोनट और चीनी है, मतलब ये मिठाई बिना कोकोनट के, बिना चीनी के खोखला खाली सा लगेगा, ठीक उसी तरह से हमारे गांव के बिना मैसूर खाली सा लगेगा। खैर, ये जो ऑथर है बहुत फ्रेंडली टोन में स्टोरी को शुरू कर रहे इसी तरह से, और फिर वो आगे कह रहे हैं, लेकिन ऐसे विचार सिर्फ मेरे ही नहीं है, मैं ही नहीं जो हूँ जो सिर्फ अपने गांव की इतनी प्रशंसा करता हूँ। हमारे गांव में एक डॉक्टर है जिनका नाम है गुंडा भट्टा। ये डॉक्टर भी ऐसा ही कहते हैं। ये काफी जगहों को इन्होंने घूमा है और इनका ये मानना है कि हमारा जो गांव है वो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। खैर, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप कभी चाहें तो हमारे गांव आ सकते हैं। हमारे गांव की कुछ बहुत ही अच्छी चीजें हैं, जैसे एक आम है, एक आम की वैरायटी है, उसको आप अगर खा लिए, अरे खा तो आप सकते ही नहीं, आपने एक बाइट भी अगर उस आम का ले लिया तो इतना वो खट्टा होता है कि आपका दिमाग पूरा हिल जाएगा। और उसके बाद एक क्रीपर होता है हमारे गांव में जो कि पानी में उगता है, और अगर आपने उसे एक बार देख लिया तो दोपहर के खाने के लिए जो थाल चाहिए, जो पत्ता चाहिए, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। मतलब वो क्रीपर के पत्ते बड़े होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और चूंकि साउथ इंडियंस बेसिकली पत्ते पे खाना खाते हैं, खास करके जो केले का पत्ता होता है बनाना का, उस पे खाते हैं, तो इसलिए ये मेंशन कर रहे हैं कि वो क्रीपर जो है उसका पत्ता भी बहुत सुंदर और बड़ा होता है और उसी पे लंच कर सकते हैं लोग। नाउ ये जो ऑथर है, आप कह सकते हैं जो नैरेटर है, वो कह रहे हैं कि आपको लग रहा होगा ना कि मैं स्टोरी से बहुत साइड हो रहा हूं, मैं ट्रैक से साइड हो रहा हूं, तो चलिए फिर से स्टोरी में वापस आते हैं। ये 10 साल पहले की बात है और उन दिनों इंग्लिश को हम अपने कॉमन लैंग्वेज में यूज नहीं करते थे। हमारी भाषा, चूंकि ये कर्नाटका के राइटर है तो इसलिए उन्होंने कन्नड़ कल्चर, कन्नड़ लैंग्वेज को यूज किया है, तो हमारे जो कल्चर है उसमें हम कन्नड़ बोलते हैं, और कन्नड़ बोलते बोलते के बीच में हम इंग्लिश वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करते हैं, अगर किसी को इंग्लिश आती है तो भी। लेकिन उस वक्त मैं रामा राव के घर पे था और उसका बेटा बाहर से पढ़ के आया था, तभी एक महिला जो फेरी जो घूम घूम के बेचती है, वो लकड़ी बेचने आई जलावन के काम के लिए, और उसका बेटा निकल के पैसा देने आया। उसने पूछा कि कितने पैसे दूं, तो उस महिला ने बोला 4 पाइस। वो लड़का बोलता है कि लिसन, मेरे पास चेंज नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा जब तुम अगली बार आओगी। अब इस चेंज का मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश वर्ड है और हमारे कल्चर में से आम भाषा में यूज नहीं करते, तो मुझे भी नहीं आती इसकी मीनिंग, और वो जो लकड़ी वाली वो भी कंफ्यूज होके चली जाती है। बाद में जब मैं रंगा के घर पे गया, उससे मैंने पूछा चेंज का मतलब, तब जाके कहीं मुझे समझ में आया कि क्या होता है। और तभी मैं घूम रहा था और तभी जाके मुझे हल्ला सुनाई दिया कि अरे अकाउंटेंट का बेटा यानी कि रंगा जो कि बैंगलोर पढ़ने गया था वो वापस आ गया है, और पूरे गांव वाले भीड़ के साथ उसके घर पे पहुंच गए। अब सभी लोग उसको देखने लगे, उससे बातें करने लगे, और तभी एक इंसान ने देखा कि उसके छाती पर जनेऊ एक तरह का धागा जैसा होता है जिसे ब्राह्मण्स लोग पहनते हैं। वो मानते हैं कि जो लोग पहना है वो अपने संस्कार को फॉलो, अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है। तभी किसी ने देखा उसे छूके कि ये पहना हुआ है अभी तक, तब लोगों ने कहा चलो थैंक गॉड इसका कल्चर इसने नहीं छोड़ा है शहर जाके, और फिर धीरे धीरे जब सब लोग उससे मिल लिए, सब लोग अपने घर को चले गए, और तब मैं यानी श्यामा बोल रहे हैं कि तब मैं जाके रंगा से मिला। रंगा से मैंने पूछा कि कैसे हो, तो उसने कहा कि मैं अच्छा हूँ, और फिर उसने मुझे प्रणाम किया। आज की तरह नहीं कि लोग ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर देते या फिर खड़े हैं ऐसे हल्का झुक गए, उसने पूरे झुक के मुझे दोनों हाथों से मेरे पैरों को छू के प्रणाम किया, और तभी मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि भगवान करे तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। और उसने कहा नहीं नहीं शादी की बात मत कीजिए, मेरा मानना है कि शादी एक मैच्योर लड़की से होनी चाहिए, एक बड़ी लड़की जो आप जिसकी इज्जत करे, जिसकी आप प्रशंसा कर सके, और यहाँ तो शादी का कुछ और ही मतलब होता है, एक तो अरेंज मैरिज और दूसरी अपनी पसंद की लड़की भी नहीं, अरेंज मैरिज है, और दूसरी कम उम्र की बच्ची से शादी हो जाती है। अरे कोई गाल में दूध लगी बच्ची से शादी थोड़ी कर लेगा, तो इसलिए बाप रे एक तो नीम, एक तो अरेंज मैरिज और दूसरा उसपे से करेला चढ़ा कि एक बच्ची से शादी हो रही है, तो ना बाबा मुझे शादी यहाँ पर नहीं करनी है। और तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। जिस लड़के को सोचा था मैंने कि वो एक बहुत अच्छा पति बनेगा,
उसने बैचलर रहने का डिसाइड किया था, लेकिन नहीं, मैंने भी सोच लिया था कि रंगा की शादी मैं करवा के रहूंगा। और तभी मेरे ख्याल में एक लड़की आई जिसका नाम था रत्ना। रामा राव की वो भतीजी थी और वो कुछ दिनों के लिए गांव आई थी रहने अपने अंकल के यहाँ। और चूंकि वो शहर में रही थी तो वो गाती बहुत अच्छा थी और उसे हारमोनियम और वीणा भी बजाना आता था। मेरे साथ उसकी काफी दोस्ती हो गई थी। तो मैं नेक्स्ट डे रामा राव के घर पे गया और वहां जाके उनकी पत्नी से कहा कि आप प्लीज रत्ना को मेरे यहाँ भेज देंगी, मुझे कुछ बटर मिल्क भेजना है आपके यहाँ। बटर मिल्क कहते हैं छाछ को। छाछ इज समथिंग कि जब आप दूध को मथ के उसमें से बटर मक्खन निकाल लेते हैं तो नीचे जो एक पतला सा और खट्टा सा लिक्विड बचता है उसको बटर मिल्क कहते हैं। तो रामा राव की पत्नी एग्री कर गई। अब जैसे ही रत्ना, जो चूंकि वो फ्राइडे था और रत्ना ने बहुत ही ग्रैंड साड़ी पहनी थी, जैसे ही रत्ना उसके घर पहुंचती है, श्यामा के घर पहुंचती है, वो रंगा को बुलाने के लिए किसी को भेज देता है। और इधर वो रत्ना को कहता है कि तुम मुझे प्लीज गाना सुनाओगी, कृष्णमूर्ति वाला जो गाना है वो मुझे सुनाओगी। रत्ना गाना गाना शुरू करती है और तभी थोड़ी देर में रंगा वहां आ जाता है। वो बाहर से इतनी अच्छी आवाज सुन के वो झांकता है थोड़ा और देखना चाहता है कि आखिर ये इतनी अच्छी आवाज किसकी है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है उस आवाज को सुनने के लिए, रत्ना शर्मा जाती है और गाना बंद कर देती है। तभी वो बैठ के बोलता है कि लगता है मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मेरे आने से ही ये लड़की गाना बंद कर दी। लेकिन वो सिर्फ बोल रहा है, वो जा नहीं रहा है, शायद उसको भी गाना सुनने की अभी और इच्छा थी। और तभी नैरेटर जो वो कहते हैं कि रंगा के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसे आपको एक बहुत ही टेस्टी सा आम खाने के पहले उसके छिलकों को चाट रहे हैं कि आप आम को बड़े आराम से खाएंगे और आम हाथ से गिर जाए। ठीक उसी तरह से जो रंगा है वो देखना चाह रहा था कि वो कौन लड़की है जो इतना अच्छा गाना गा रही है। और जैसे ही वो अंदर गया वो गाना ही बंद हो गया। तो खैर, लेकिन वो वहां से नहीं जाता और रत्ना ही शर्मा के श्यामा के घर से निकल जाती है। रंगा पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन। तो श्यामा बोलता है कि क्या करोगे जान के, मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हें शादी करनी नहीं, तो तुम क्या करोगे जान के। और श्यामा हमें एक साइड में स्टोरी बतला रहे हैं कि मैं चाहता था कि रंगा रत्ना के बारे में जाने, उससे शादी करे, लेकिन मैं एक ठीक उसी कहानी की तरह कर रहा था, वो कहानी जिसमें एक शेर और एक बकरा रहता है, बकरा मंदिर के अंदर रहता है और शेर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो बकरा बोलता है कि मैं वो हूँ जिसने कि बहुत सारे शेरों का शिकार किया है, तुम बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो, मुझे तुम्हारा भी शिकार करना है। और शेर डर के भाग जाता है। ठीक उसी कहानी की तरह श्यामा बोल रहे हैं कि मैं भी कर रहा था, मैं चाहता था कि रंगा और रत्ना की शादी हो, लेकिन मैं जानबूझ के रंगा को बार बार उल्टे जवाब दे रहा था। और तभी रंगा ने पूछा, इसका मतलब इस लड़की की शादी नहीं हुई है। तो श्यामा बोला कि शायद एक साल पहले शादी हो गई थी और तब मैंने देखा रंगा का मुंह, बिल्कुल एक रोस्टेड जो बैगन ब्रिंजल होता है ठीक उसी तरह से उसका मुंह भी सिकुड़ गया था। और दूसरे ही दिन मैं जल्दी से शास्त्री जो है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्यवाणी करता है, उसके पास गया और उसको मैंने बहुत सारी कुछ बातें समझा दी और उसको कहा कि तुम अपने जो स्टार्स पढ़ने के लिए जो भी चीजें रखते हो उसको तैयार रखना, मैं रंगा को लेकर आऊंगा और जैसा जैसा मैंने सिखाया है तुम्हें वैसा वैसा ही बोलना है। इसके बाद मैं रंगा के घर गया। फिर मैं उससे पूछा कि रंगा मुझे लगता है तुम्हें हेडेक है क्या, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। और फिर कहता है कि चलो ना हम शास्त्री जी के यहाँ चलते हैं, तुम्हारे थोड़े हॉरोस्कोप्स पढ़वाएंगे, तुम्हारे गुरु शनि की क्या दशा है वो सब दिखलवाएंगे। और ये दोनों रंगा और श्यामा शास्त्री के यहाँ पे जाते हैं। जैसा जैसा श्यामा ने सिखाया था शास्त्री ठीक उसी तरह बोलता है कि तुम्हारे स्टार्स क्या है। रंगा बोलता है मुझे याद नहीं। फिर शास्त्री बोलता है चलो मैं देखता हूँ। फिर वो अपने जो सामान होते हैं एक एस्ट्रोलॉजर के, जैसे पाइल मायरा लीव्स, शीट्स ऑफ पेपर, कुछ कॉडीज, वो सब निकालता है, थोड़ा सोचता और बोलता मुझे लगता है तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की है। तो श्यामा ऐसे शॉक्ड होकर उसको देखता है और उस लड़की का नाम मुझे लगता है ओशन से रिलेटेड है, जो समुद्र होता है उससे रिलेटेड है। क्या हो सकता है, कमल, लोटस, मॉस, क्या होगा या फिर कोई पत्थर, कोई बहुत कीमती पत्थर,
कोई पर्ल रत्न। और तभी जो श्यामा बोलता है, ओ माई गॉड रंगा, मुझे नहीं पता था कि तुम रत्ना के बारे में सोचते हो। बाबा रे, मुझे नहीं पता तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तो रंगा बोलता है कि लेकिन वो तो शादीशुदा है ना, क्या वो लोग शास्त्री जी के यहाँ से निकलते हैं और फिर श्यामा बीच में रामाराव के घर चला जाता है और वहां से थोड़े देर रह के निकलता है और रंगा को बोलता है कि नहीं नहीं, रत्ना की शादी नहीं हुई है, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया था। फिर श्यामा जो है वो बोल रहे हैं कि फिर मैं शास्त्री जी के यहाँ गया, वहां जाके उनसे कहा कि अरे वाह, मैंने जो जो सिखाया था आपने बिना गलती के बोल दिया, मेरी इन्फॉर्मेशन तो आपके बड़े काम आई। तो शास्त्री बोलता है कि सुनिए ना, अगर आपने मुझे नहीं भी बताया होता तब भी मैं अपने स्टार्स को पढ़ के सारे बातें सही सही ही बतलाता। और फिर श्यामा कहते हैं कि इसी तरह वक्त बीत गया। कुछ दिनों बाद रंगा मुझे डिनर के लिए अपने घर बुलाने आया, मैं उसके घर गया और तब तक उसका एक बेटा हो चुका था और उसकी वाइफ जो है वो 8 months प्रेग्नेंट थी। मैंने उससे पूछा भी कि अरे डिनर पे बुला रहे हो, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, कौन उसकी मदद करेगा। तो रंगा ने कहा कि मेरी बहन आ गई है, शी विल हेल्प हर। जब मैं उसके घर गया तो वो छोटा सा जो बच्चा था जिसका कि एक्चुअली 3rd birthday था उस दिन, वो आके मुझे प्रणाम किया। उस बच्चे का जब मैंने नाम पूछा तो रंगा ने बताया कि उसका नाम उसने श्यामा रखा था। मैंने उससे कहा भी कि अरे मैं काला हूँ इसलिए मेरा नाम श्याम है, तुम्हारा बेटा कितना गोरा है, तुमने इसका नाम श्याम क्यों रखा। हाँ, मुझे पता है कि इंग्लिश कस्टम होता है कि आप अपने बच्चे का नाम उसी पे रखते हैं जिसको आप बहुत चाहते हैं, और इसीलिए शायद आपने इस रंगा तुमने इस बच्चे का नाम अपने बच्चे का नाम श्यामा रखा। तो फिर नैरेटर इस तरह स्टोरी क्लोज करते हैं और वो कहते हैं कि आई होप आप ये कहानी सुन के बोर नहीं हुए होंगे। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी, होप आपको ये कहानी समझ आई हो, अच्छी लगी हो। देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, आपको समझाऊंगी, बतलाऊंगी। सो गाइज, टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, थैंक यू।